अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते आदाब। तो कैसे हैं आप लोग। न्यू अपडेट आया है वंदे भारत मिशन 5 का, जो मैं अभी आपको बताऊंगा। वीडियो पूरा देखना। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो भी फ्लाइट का अपडेट दूंगा, ये सारा टिकट आपको दम्माम, अलकोबर और रियाद में एयर इंडिया के ऑफिस से और इंडिगो ऑफिस से मिलेगा टिकट डायरेक्ट जाकर के। आप वीडियो देख लो, टिकट का प्राइस ही बता दूंगा, सब कुछ बता दूंगा, जाकर के डायरेक्ट टिकट ले लेना। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, इंडियन एम्बेसी ने रिलीज किया है अभी प्रेस रिलीज, जो कि 13 अगस्त यहाँ पे देख रहे हैं, न्यू अपडेट है। तो 16 अगस्त को दम्माम से कोची जाएगी, 17 अगस्त को दम्माम से त्रिवेंद्रम, 18 अगस्त को दम्माम से मुंबई, 19 अगस्त को दम्माम से कोची, 20 अगस्त को दम्माम से त्रिवेंद्रम, 21 अगस्त को दम्माम से कन्नौर, 21 अगस्त को रियाद से हैदराबाद, फिर 21 अगस्त को रियाद से मुंबई, फिर 22 अगस्त को रियाद से मुंबई, फिर 23 अगस्त को रियाद से चेन्नई, फिर 23 अगस्त को रियाद से मुंबई, मुंबई से विशाखापट्टनम, 24 अगस्त को जाएगी रियाद से बेंगलुरु, फिर 24 अगस्त को दम्माम से चेन्नई। तो आप देख सकते हो, वीडियो रोक करके देख सकते हो, यहाँ पर आप एयर इंडिया और इंडिगो एयरलाइंस का पूरा लिस्ट है, दाम भी लिखा हुआ है, प्राइस भी लिखा हुआ है टिकट का। ठीक है, आप सोच रहे हो कि ई का मतलब क्या है या बी का मतलब क्या है। ई का मतलब इकोनॉमिक क्लास, नॉर्मल क्लास, और बी का मतलब बिजनेस क्लास, इसलिए टिकट थोड़ा महंगा है बिजनेस क्लास का। ठीक है, तो आपको तो इकोनॉमी क्लास से मतलब है। फटाफट जाओ, एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको ट्विटर पे भी मैं बता दूंगा, डिस्क्रिप्शन में एड्रेस डाला हुआ है, आप जाके क्लिक करके सीधा मैप से स्टार्ट करो और पहुंच जाओ लोकेशन पे, अगर आपको लोकेशन मालूम नहीं है दम्माम, अलखोबर और रियाद में, एयर इंडिया ऑफिस और इंडिगो ऑफिस। जाओ जाकर के फटाफट टिकट ले लो, इंतजार मत करो, वंदे भारत मिशन का फॉर्म नहीं भरा है, एक मिनट लगेगा, फॉर्म भर लो, फटाफट निकल जाओ, खड़े खड़े लाइन में फॉर्म भर लेना, टिकट ले लो। यहाँ पर टिकट सस्ता मिल रहा है, चार्टर फ्लाइट का टिकट महंगा है, वंदे भारत में टिकट सस्ता है। ठीक है, तो फटाफट निकल लो और टिकट लेकर के मुझे कमेंट में जरूर बताना कि जावेद मैंने टिकट ले लिया। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो लाइक करो, कमेंट में फिर आप जो मैंने वो लिख दो अपनी मर्जी से। दुआ में याद रखना भाई, अल्लाह हाफिज़।